आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेकर बना रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी इस ताल्लुक से वीडियो बना रहा है या तो उसका चैनल टेक डाउन किया जा रहा है या फिर उसे कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ जा रहा है, ताकि ये बात को ज्यादा से ज्यादा नया फैलाई जा सके। क्योंकि आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में और एंड्रयू टेट के अरेस्ट के बारे में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे 4-5 लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ सके। दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो लोग एंड्रयू टेट को नहीं जानते वो ये जान ले कि एंड्रयू टेट एक इन्फ्लुएंसर है और एक बिलियनर है। यहाँ इसकी हसलर यूनिवर्सिटी है जहां पर ये लोगों को ई कॉमर्स के जरिए लोगों को पैसा कमाना भी सिखाता है। लेकिन क्या बात है कि एंड्रयू टेट को अरेस्ट किया गया, क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से। लोग कह रहे हैं कि एंड्रयू टेट का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो चुका था वेस्ट वर्ल्ड के अंदर कि वो किसी भी इलेक्शन को अफेक्ट कर सकता था, और ये मैट्रिक्स को पसंद नहीं था कि कोई शख्स ये डिसाइड करे कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीत सकता है, उस पर फर्क ला सके। इसीलिए भी एंड्रयू टेट को अरेस्ट किया गया। गौरतलब है कि एंड्रयू टेट को रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उसमें अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज उठ रही है। सबसे पहली ये है कि लोग कह रहे हैं कि एंड्रयू टेट ने खुद को अरेस्ट करवाया है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसे कोर्ट में हाजिर किया गया। और कॉन्ट्रोवर्सीज इसके साथ जोड़ी जा रही हैं कि जैसे इसे इसलिए अरेस्ट किया गया हो क्योंकि ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा था, सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में। और एक और खसूसन जो आ रही है वो ये है कि एंड्रयू टेट के मुसलमान होने के बाद शायद ये रोमेनियन फोर्सेस को नापसंद आया हो, क्योंकि रोमेनियन कट्टर क्रिश्चियन कंट्री है। और ये वाहियात और बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि रोमेनियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं जो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं, इस पर उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। एंड्रयू टेट को कहीं ना कहीं मैट्रिक्स ने ही अटैक किया, ऐसा ही नजर आ रहा है अब तक तो। देखिए, एंड्रयू टेट से ये भी खबर आई कि रोमेनिया में एक ब्लैक सूट में कुछ लोग पहुंचे एंड्रयू टेट के पास, शायद उसे ब्राइब करने की कोशिश की गई हो, जहां पर बताया गया हो कि चुप हो जाओ। देखना यह होगा कि अब जब एंड्रयू टेट जेल से वापस आएगा तो क्या ये पुराना एंड्रयू टेट ही होगा, क्या ये पुराने तरीके से ही बात करेगा। देखना यह भी होगा कि जेल में उसे मार तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कई सारे लोग जो स्लेव मेंटालिटी को खत्म करने की बात करते हैं उन्हें गायब कर दिया जाता है या फिर उन्हें मार दिया जाता है, किसी तरह वो मर जाते हैं। देखिए, हाल ही में एक खबर आई कि 3 क्रिप्टो के मालिक मर गए, जो 3 क्रिप्टोज बनाए थे। बड़े ही आसान तरीके से हम लोग क्रिप्टोज को खरीदने वाले थे उनकी वजह से। एक, इनकी उम्र ज्यादा कुछ नहीं थी, 25 से 30 के बीच में थी। सबसे पहले का इंतकाल होता है, सबसे पहला मरता है घर में सोते वक्त हार्ट अटैक आ गए, ये इत्तेफाक हो सकता था। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद एक पार्टनर पानी में डूब कर मर जाता है, उसके कुछ ही दिन के बाद एक और किसी हादसे में मर जाता है। ये बड़ी ही अजीब चीजें, इन तीनों का मरना भी सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जो नहीं चाहती कि लोग अपने ख्वाबों में से और इस बेतुकी दुनिया के रिवाजों से उठकर आए सामने। ये सवाल उठाता है आपके जहन पर और मेरे जहन पर। हाल ही में इलॉन मस्क ने भी एक बात कही थी कि ट्विटर के कुछ ऐसी चीजें मेरे पास आई जिसकी वजह से मैं खतरे में हूं। और बस आपका इलॉन मस्क ने इसके बाद भी ट्वीट किया है, उसने कहा है कि मैट्रिक्स से बचना है तो मैट्रिक्स के पास उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। और कई सेलिब्रिटीज ने भी इलॉन मस्क को कहा था कि अपना ख्याल रखना और अलर्ट रहना। इसके बाद इलॉन मस्क ने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा ली। खैर, जो भी है इसके बाद, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है इन चीजों से वो हुआ है एंड्रयू टेट को। एंड्रयू टेट के पास कोई खासी पावरफुल लोगों के साथ पहचानत नहीं है। जब आप ऐसी बातें करते हैं खुलकर, तो आपको बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना करना होगा। और यही बात नहीं है, कई सारी मिस्टीरियस चीजें लगातार हो रही हैं और जिनका कोई जवाब नहीं है। देखिए, आप वो लोग आपके जहन को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आपको उनका गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में जो मेल मैस्कुलिनिटी है ये सबसे ज्यादा खतरा बनाती है मैट्रिक्स को। हालांकि औरतों को भी यही पसंद होता है। कहीं ना कहीं इस पर इल्जाम लगाया गया कि एंड्रयू टेट एक मिसोजिनिस्ट है, एक फेमिनिस्ट से छिड़ने वाला आदमी है, लेकिन ये कहीं साबित नहीं हुआ। एंड्रयू टेट ने कहा कि मर्द वो है जो औरत की हिफाजत करे, उसे प्रोवाइड करे और उसकी टेक केयर करे। उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि औरत बहुत ज्यादा खराब चीज है, ये वो। हाँ, कई सारी ऐसी बातें की जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसपे हम दोनों इत्तेफाक शायद नहीं कर पाए, लेकिन ये सवाल जरूर उठाता है कि एंड्रयू टेट को अरेस्ट क्यों किया गया। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात नहीं हो रही? क्या ये दुनिया को अपना स्लेव बनाने की वाकई में बात नहीं हो रही? क्या वो लोग ये पसंद कर रहे हैं?
अचानक से एक टिकटॉकर भी गायब हुआ कुछ दिन पहले। ये टिकटॉकर बता रहा था कि उसने जायंट को देखा है, कहीं करीब एक पहाड़ के ऊपर जायंट था, तो उसे भी गायब कर दिया गया। इसके ताल्लुक से हम पूरी वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में बात करेंगे। एंड्रयू टेट को पकड़ने पर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज ये भी है कि एंड्रयू टेट ने खुद को ही अरेस्ट करवाया। बेतुकी बात है क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं, अगर वो खुद को अरेस्ट कराता तो उस पर कोर्ट पे हाजिरी नहीं होती और इतने सीरियस चार्जेस 30 days की कस्टडी नहीं होती, पिछली बार की तरह 2 दिन में वापस आ जाता। कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस भी बहुत ही खतरनाक है, रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस, जो कि उसके करीबी की माने, उसके आसपास के लोगों की माने तो बेबुनियाद है क्योंकि कभी भी एंड्रयू टेट ने ऐसा कोई काम नहीं किया। कई सारे लोग उठकर आ रहे हैं, एंड्रयू टेट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियोस को टेकडाउन किया जा रहा है। एंड्रयू टेट के बेस्ट फ्रेंड को भी टिकटॉक से बैन कर दिया गया है। यहाँ ताहिम खान जो दुबई के हैं उनको भी बैन कर दिया गया टिकटॉक से, क्योंकि वो बार बार एंड्रयू टेट के लिए वीडियोस बना रहे थे और उनके बारे में बता रहे थे। उनका माने तो वो कहते हैं, अगर मुझे वीडियो प्रूफ नहीं मिलता कि एंड्रयू टेट ऐसा कर रहा हो तब तक मैं यकीन नहीं मानूंगा, ना मुझे बने बनाए गवाहों पे यकीन है, ना मुझे पेपर पे लिखे गए स्टेटमेंट्स पे यकीन है। अगर आपको मेरे सामने उसे मुजरिम साबित करना होगा तो आपको मुझे उसके बारे में वीडियो देनी होगी। ये बहुत ही अजीब बात नहीं है कि ऐसा कहा गया हो, कई लोगों ने यही स्टेटमेंट दिया, कई लेडीज ने भी एंड्रयू टेट के सपोर्ट के लिए स्टेटमेंट दिया। इसने कई सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को भी हिलाया है, खुसूसन मस्कुलिनिटी मेल के अंदर, जहाँ वो लोग जो ताकतवर और पावरफुल बनना चाहते हैं, जो अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर तो तहलका मच गया। इंटरनेट फिलहाल 2 चीजों में बटा हुआ है, एक एंड्रयू टेट के सपोर्ट में, एक एंड्रयू टेट के खिलाफ। अगर आप देखेंगे तो अजीब व गरीब मामला है दुनिया इंटरनेट के अंदर, लेकिन दुनिया में भी ऐसे वाकये हो रहे हैं। जैसे मैंने क्रिप्टो के बॉसेस के बारे में बताया, 3 क्रिप्टो के बॉसेस मर गए, एलन मस्क के साथ ऐसा हुआ। इसी तरह एक और कंट्रोवर्सी हाल ही में आई थी कि वो टिकटॉक का लड़का गायब हो गया। इसी तरह चाइना और बीजिंग में भी पुरानी बात है कि एक डॉक्टर ने कैंसर की दवा ढूंढी और वो गायब हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर क्या मसला है, इससे सवाल उठता है, और सवाल करने वालों को क्यों गायब कर दिया जाता है, ये सवाल उठाता है कि क्या मैट्रिक्स वाकई में एग्जिस्ट करता है, क्या है ये मैट्रिक्स। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। और ये याद रखिएगा, बड़ा ही रिस्क लेकर बना रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच सके। प्लीज मुझे दीजिएगा इजाजत, अपने और अपने चीजों का ख्याल रखिएगा, उनकी हिफाजत करिएगा और उनको प्रोवाइड कीजिएगा। आपने क्या सोचा दुनिया के 1000 सालों में कि तुम एंड्रयू टेट को रोक पाओगे कि वो जो करना चाहता है उससे? क्रिस्टन टेट।